सब्सक्राइब करें हैश खान यूनिक रेसिपीज़ को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं हैदराबादी बोटी कबाब। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम बोनलेस मटन लिया है, यानी कि बिना हड्डी वाला गोश्त पाव किलो लिया है। तो इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पपाया का पेस्ट। और पपाया का पेस्ट कैसे बनाया मैंने घर पर, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे दही। और अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। नमक स्वाद अनुसार, अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर लें। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून होममेड कबाब मसाला पाउडर। इसकी इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने डाला है 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें मैरिनेट करके 6 से 7 घंटे तक रखना है। जितना ज़्यादा ये मैरिनेट करके हम इसे रखेंगे उतना ही अच्छा ये कबाब बनेगा। और पपाया पेस्ट जो हमने इसमें डाला है उससे ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। मटन को गलाने के लिए पपाया पेस्ट डालते हैं, तो हमने इसमें डाला हुआ है। आप उसकी इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि पपाया पेस्ट को कैसे हमने बनाया है और उसे कैसे स्टोर करें। तो यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक लिया है और इससे हम इसे पैक कर देंगे ताकि इसमें हवा ना जाए। इसे कवर कर देंगे और हम इसे फ्रिज में रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए। छः से सात घंटे हो चुके हैं, आप चाहें तो 10 से 12 घंटे भी रख सकते हैं इसे। और ये हमने यहाँ पर सीख ली हुई है, इसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। आप इसे ज़रूर कभी भी बना रहे हों सीख कबाब या कोई भी चीज़, तो इसे पानी में ज़रूर भिगो दें। अब इस मटन के पीसेस को हम इस सीख में पिरो देंगे इस तरीके से। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनता है ये हैदराबादी बोटी कबाब, खाने में बहुत ही टेस्टी है। होममेड कबाब मसाला की रेसिपी आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। कबाब मसाला डालने से कबाब कोई किसी भी कबाब में डालें तो बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। और इसी तरीके से हम सारे टिक्के को बना लेंगे। हम इस सीख में सारी बोटी को लगा लेंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हमने तवे पर तेल गर्म करने को रखा है, 5 टेबल स्पून तेल लिया हमने। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन है तो आप उसमें कम तेल डालें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इस तरीके से कबाब को फ्राई करेंगे, बोटी कबाब को। आप चाहें तो इसे सिगड़ी पर भी बना सकते हैं, कोयला अगर आपके पास हो तो कोयला जलाकर भी उस पर भून सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है कोयले पर बनाने पर। और आप चाहें तो इस तरीके से भी बनाकर इसे आप गैस पर भी थोड़ा सा भून सकते हैं, तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, मेरा एक सेकेंड चैनल भी है, आप उस पर जाएं, उस पर बहुत सारी किचन टिप्स हैं और मेरा ब्लॉग भी है। तो आप सबने जैसे इस चैनल को सराहा है, आप उस मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखें। और अब हम इसे पलट लेते हैं दोनों तरफ से पलट कर हम इसे अच्छी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से पक चुके हैं।
हमारे बोटी कबाब दोनों तरफ से पक चुके हैं और इसे हम एक ग्रिल पर निकाल लेंगे ताकि सारा तेल नीचे निकल जाए। इसे हमें आग पर भी थोड़ा सा भूनना है, हम भूनेंगे अभी। इस तरीके से हम सारे बोटी कबाब को बना लेंगे। अब एक बार ज़रूर ये बोटी कबाब ट्राई करें, हैदराबादी बोटी कबाब बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम इस पर थोड़ा सा घी डाल देते हैं। आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी इस पर घी लगा सकते हैं। हमने सारे कबाब पर घी डाल दिया है और अब गैस जलाकर हम इस पर थोड़ा सा आग में इसे भून लेते हैं। आप चाहें तो एक एक कर कर भी गैस पर भून सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसे भून ले रही हूँ सारे कबाब पर। तो चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये हैदराबादी बोटी कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।